about was, we were talking about how was your exams and how was your holiday? एग्जाम्स कैसे गई? मैम यार एग्जाम्स हॉलीडे मैम अच्छे नहीं थे मैम मेरे तो ओह माय गॉड मैम व्हाई एग्जाम दिव्यांशी? मैम क्योंकि मैम हॉस्पिटल में चले गए थे मैम यू कौन तुम एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? व्हाई यस दिव्यांशी? मैम वो मैम फीवर हो गया था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया था? कितना हो गया था? 100 100 से ऊपर हो गया होगा? कितना हुआ था? 100? मैम 150 मैम 160 कभी भी नहीं हो सकता 150 160 बेटा। मजाक कर मैम वन एट रही फाइव पर तो मैम इंसान बेहोश हो जाता है और 186 पे वो डेड हो जाता 150 160 वाला मैम वन पीरियड है फोर्टी वो हुआ था 150 160 मेजर करने वाला फी थर्मोमीटर तो बना ही नहीं बेटा अब तक। मैम 10 के ऊपर नहीं आ रहा था 105 104 हुआ होगा नॉट थैंक 150। अभी ठीक हो? आर यू फाइन नाउ? ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, टू इम्पोर्टेंट थिंग, फ्रूट्स एंड वाटर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। मैम मेरी तो मैम बहुत सही गई बहुत सही गई। एंड व्हाट डिड यू डू मॉलिक? मैम एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद मैम थोड़े दिनों की हॉलीडेज आई मिली थी वॉन्ट मैम। यू टू ट्राई टू टॉक विथ मी इन मैम इंग्लिश। तो मैम वी गॉट हॉलीडेज तो मैम आई कंप्लीट माय हॉलीडे होमवर्क फर्स्ट व्हिच मैम गिव अस। सो मैम आफ्टर फिनिश माय हॉलीडे होमवर्क आई प्ले अ लॉट विद माय फ्रेंड्स। Okay, great. And tell me one thing, Malik. Do you like Dussehra or Diwali? मैम दिवाली Why? मैम बिकॉज मैम इन दिवाली मैम आई क्या बोलते हैं मैम मैं क्रैकर्स फोड़ता हूँ मैम बहुत सारे। So I play with crackers आई प्ले विथ मतलब or आई I प्ले burst crackers. यस मैम फोड़ने को burst बोलते हैं. Burst crackers. ठीक है. Very good. दृष्टि Now let's ask Drishti. Drishti. Yeah. मैम Drishti, how was your holiday, beta? Very good. And what did you do during your holidays? I went to my nanny's house. You went to your nanny's house. Great. And what did you do there? Grandmother's. My brothers. Your camera is moving a lot. Keep healing. I can't see your face, sweetheart. Yeah, now I can see you in red. Yeah, so what did you do? You went to your nanny's house and what did you do? Ma'am, with my brothers. Okay, and tell me one thing, Drishti. You like Dussehra or Diwali? Ma'am, Diwali. And why do you like Diwali? Ma'am, because I made Rangoli. Okay. And I play with green crackers. Okay, very good. I want 3 more points. Create my house. You clean your house and you like cleaning your house. Ma'am, what? You like cleaning your house. Yes, ma'am. Very good. And 2 points. 3 bata diye ab do chahiye. मैम इसके अलावा क्या होता है? अरे तुम लोगों को मिठाइयाँ खाने पसंद नहीं है? दिवाली में इतने ही मिलती है। न्यू कपड़े न्यू क्लोथ वी वेयर पसंद है। वी वेयर न्यू क्लोथ वेरी गुड एंड वी गेट टू ईट अ लॉट ऑफ यम्मी स्वीट्स। मैम मैं तो मैम दिवाली में पूरी प्लेट भर के खा लेता था मैं मिठाई। बस इट इज अ कलरफुल जॉयफुल एंड थैंकफुल फेस्टिवल। मैम मैंने कहना था सच में टाइमिंग ऑफ दिवाली कैन आई स्पीक? Yeah. Yes, Aradhya. Create our house. Decorate. Who wanted to speak? Aradhya wanted to speak, right, Aradhya? Yes, ma'am. Yeah, go ahead.
My favorite festival is Diwali. I will be plan of Diwali. I will be make different types of crafts and paste in wall. I will be decorate the yard and clean home. I make different types. I'm bahut shor aa raha hai mam, main science sare. वंशिका एक मिनट, ठीक है, मैं तुमसे कुछ और करा रही हूँ. Where did she go? I will be plan of Diwali. I will decorate the house and clean home. I make different types of food and sweets. Don't look at that. Without looking at it, tell it to me. Without looking at the copy, don't read from the copy. Tell it to me. ये तो दिल की बात है. तो लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ना. मैं खुद लिखा था वो. नहीं, खुद तो लिखा था, तो वही तो आपकी मन की बात है ना, तो बिना लिखे बोल दो मुझसे. ओके मैम. माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. आई एम प्लानिंग ऑफ दिवाली. आई एम प्लानिंग ऑफ दिवाली. व्हाट विल वी डू? I make different types of crafts. I make different types of crafts and paste in wall and home. And I buy lights in market and decorate in every place to क्या to हिंदी में बोल दो, मैं translate कर दूँगी. मैम to गलती से बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है. Okay, no problem. All right. And decorate, clean home, and make different types of foods and sweets for guests. And buy gifts to give relatives, friends, and neighbors, etc. Okay. My mother make different types of food and sweets. Mother make food and they will. Okay. All right. So Aradhya's camera has stopped also. So let's go ahead and begin with today's workshop. Good job, Aradhya, for speaking your thoughts. मन की बातें दिखना जरूरी नहीं है, बिना देखे बोलना चाहिए. ओके, सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, वंशिका, कैन यू सी दिस? यस मैम. आई वांट यू टू रीड दिस फॉर मी. यू कैन स्टॉप द रीड, बट यू कैन लर्न टू सॉल्व. अच्छी तरीके से पढ़ो, सो दैट द रेस्ट ऑफ द क्लास कैन हियर. यू कैन स्टॉप द वेव्स, बट यू कैन लर्न टू सॉल्व. Okay, so the quote says, you cannot stop the waves. You cannot stop the waves, but you can learn to surf. Iska matlab mujhe kaun batayega ki kya hai? Shrishti, turn your camera on. Yeah. What does it mean? Kaun batayega mujhe? Ma'am, can I? Yeah, Shrishti, go ahead. मैम, इट मीन्स दैट जो हमारे समुद्र में वेव्स आती हैं, द वेव्स व्हिच कम्स, यू कैन नॉट स्टॉप देम टू कम एट द बैंक ऑफ द रिवर और एनी वाटर बॉडी, बट यू कैन लर्न द सर्व एंड सो दैट यू कैन सर्व थ्रू द वेव्स. नो, आपने तो यही सेम चीज बताया. इसका मतलब क्या हो सकता है असली जिंदगी में? मैम, इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी मुश्किलों को नहीं हटा सकते, लेकिन उनको उनके उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो सीख सकते हो, उसका सामना कैसे कर सकते हैं. We can learn. So very good, Srishti. So that is what it means. Yeah, someone wants to explain. Ma'am, you see clearly. I'm sorry. I'll make this. Okay, Aradhya, not right now. We have started. Okay, the second quote. Navika, please read. Achche se padhna, theek hai beta? Life is 10% of what happens to
you and 90% of how you react to it. Very good. Aur zor se, uchi awaz mein chahiye. Okay. Navika, uchi awaz mein. Okay. 1, 2, 3. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Very good. So who will explain me what this means? My man. Very good. Drashti? Mommy. Mom, can I tell them, please? After this, I'll ask. Mommy. Taharanshu. Okay, yeah. First, Drashti will explain. Drashti. Yes, ma'am. Haan, batao, beta. मतलब है कि लाइफ 10% होती है पर उसकी 90% ये होता है कि हम उस पे रिएक्ट नहीं करते हैं नॉट रियली लाइफ 10% तो नहीं होता लाइफ तो हमारी 100% ही होती है मैम कैन आई मैम मैं 80-90 इयर्स हो जाऊं तो मेरा लाइफ 10% होगा ये तो बात सही है और लाइफ तो 100% ही है लोगों की अभी तो यस सारांशु ओ मैम इसका मतलब ये होता है ये कि मैम हमारे साथ जो हो रहा है वो 10% हो रहा है पर हम उसमें 90% रिएक्ट कर रहे हैं वेरी गुड और एक एग्जांपल दे सकती हो बेटा कोई भी एग्जांपल जैसे मैम जैसे कि मैम हम गिर जाते तो मैम हमारे लग जाती है तो मैम उसमें हम हमारा मैम जैसे उप्स आउच ऐसे करके मैम तो रिएक्ट्स आते हैं ओके और सबसे इजी एग्जांपल है मतलब मान लो तुम्हारे पापा ने बोला ऑटम के वेकेशन में शिमला रह के जाएंगे पापा ने बोला अरे बेटा ये साल नहीं जा सकते तो हम बच्चे क्या करते अरे पापा जाना है रोज आप ऐसे ही करते हो रोज प्रॉमिस करके ब्रेक करते हो पापा मम्मी ने बोला खाना खा ले मुझे मन नहीं है मुझे खाना भी नहीं खाना मुझे किसी से बात नहीं करना जाओ आप लोग सब झूठे हो बोल के वो करके अकेले कमरे में बैठ जाते So, इसका मतलब है छोटी राय का क्या बनाना पहाड़ पहाड़ exactly so this is what it means okay the third person Sophia turn your camera on all the children turn your cameras on otherwise I'll be marking you absent so Sophia Firdosh read this quotation loudly दिख रहा है मैम मैं रीड कर दूं मॉली के बाद में बोलूंगी देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे या वन मोर टाइम लाउडली एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे वेरी गुड Every day may not be good, but there is something, Aradhya, wait, every day may not be good, but there is something good in every day. Mam, can I tell? Very good, Harsh. Aur Harsh beta, ek example de sakte ho? No, don't you see me talking to Harsh beta? This is bad manners. Harsh, ek example de sakte ho beta? Koi bhi example. Ma'am, jaise ki ma'am, das ho gaye. जा रहे हैं मैम और फिर मैम कुछ अच्छा होता है तो मैम ये तो मैम इसका ये इसका ये फिर से एक बार समझाना बेटा नो नो आई डोंट वांट एनीवन टू टेल आई वांट हर्ष टू स्पीक रेस्ट ऑफ द पीपल एवरीवन ऑन म्यूट मोड या हर्ष बेटा बताना
मैम जो हमारा नेम अच्छे है नहीं जा रहा था मैम सब कुछ अच्छा है जो हम अच्छे फील करते हैं इसलिए मैं इसलिए कर Okay, good effort on the example. Who can give me an example? Ma'am, can I? Drishti, I don't want you talking. Drishti has already talked. Subhrashu has already talked. Firdos has talked. Vanshika has read the quote. Navika has read. Okay. Vanshika Maheshwari. I'll call her name. Now she will be marked absent if she does not speak. Vanshika, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Vanshika Maheshwari ki baat kar rahi hoon, beta. Hello? Navya Giri. Okay, I'm writing your names and giving it to the principal saying that you don't even mute. Unmute ma'am, can I yourself. Give one example? Yeah, Malik, you have not given. You can give yes, me. Yes, ma'am. जैसे अब ma'am जैसे अब हमारी जैसे ma'am अब हमारे ma'am मान लो जैसे अब हमें एक वो है ma'am क्या बोलते हैं हमारे ma'am जैसे हमारे पास एक pencil box है ma'am है ना ma'am वो हमें ma'am मतलब ma'am हमारा favorite pencil box है और ma'am वो हमें मिल नहीं रहा तो ma'am इसका मतलब हमारे साथ ma'am हमें लगेगा कि ma'am हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा कहाँ चला गया फिर एकदम से मैम हमारा ध्यान जाए कि वो वहीं पे पड़ा है तो मैम एकदम से हम खुश हो जाएंगे तो मैम ये एक एग्जांपल टाइप का जैसे ओके और बेस्ट एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स का पेपर था ठीक है मेरा मैथ्स का पेपर इतना खराब गया ठीक है और उसके बाद मेरा इंग्लिश का पेपर था इंग्लिश का पेपर मेरा बेस्ट रहा मुझे लगता है 90 अबव आ जाएगा और हम क्या सोचेंगे आज तो ना मेरा दिन ही खराब हो गया क्योंकि ना मेरा मैथ्स का पेपर ही अच्छा नहीं गया और सब दिन भर उदास रहते रहेंगे पर उस दिन में जो इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है उस पे हम ध्यान नहीं देते बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट रॉन्ग थिंग दैट वेंट इन द डे सो एवरी डे बुरा नहीं होता वो एवरी डे में भी कोई ना कोई ऐसी चीज होता है जो अच्छा होता है एग्जैक्टली करेक्ट नाउ स्वास्तिक प्लीज रीड दिस कोट फॉर मी व्हाई इज इट कोट इज नॉट विजिबल ओ सॉरी हियर Vinayak Sharma, can you read this for me, beta? Vinayak Sharma? I'm sorry, beta. Ma'am, pardon, ma'am, mujhe iska matlab bhi samajh aa gaya. Can I read? I know its meaning also. No. Ma'am, can I? Okay, I want someone who has... Asta, please read this for me, dear. Ma'am, mera mute. Asta, read this for me, bol rahi hu. Asta, unmute yourself and read this. Yes, ma'am. Yeah, read this for me, sweetheart. Okay, ma'am. Problems are not signs, they are guidelines. Right. So, Asta, iska matlab kya hai? Ma'am, problems... Ek second. Ma'am, problem sign nahi hai. Wo to guidelines hai, ma'am. Okay. Ye to aapne jo likha tha, wahi bol rahe ho, beta. Par matlab kya hai iska? Ma'am, I know its meaning. Can I tell? Ma'am, directly I don't know. I'll ask Arjun. Arjun, kya ki iska meaning kya hai? Arjun Tyagi.
I'll also be making a file of all the children who don't speak in my class. And they don't even tell, yes, ma'am. Dia Saroha, please tell me, iska matlab bata do beta, try karo. मैम जो प्रॉब्लम होते हैं वो साइंस नहीं होते हैं वो एक गाइडलाइंस होते हैं एग्जांपल दे सकते हो बेटा मैं दे सकता हूँ मैम एक एग्जांपल मैम दे दूँ ओके नो प्रॉब्लम दे दो ओके मैम मैम जैसे अब मान लो मैम हमारे से मैम मैम हम कुछ लेने लगे मैम Stop playing with that. First, keep pondering on the side. Ma'am, जैसे ma'am अब हम जैसे अभी biscuit का packet पर है हमारे से कांच टूट गया है ना ma'am. तो ma'am वो हमारे साथ problem हो गई थी अब हमें ma'am लेकिन बाद में ma'am हमें relax हो गई जो ऐसा मैंने आगे से नहीं करना ma'am एक तरीके से ma'am वो हमें मतलब ma'am ऐसे अब जो मैंने गलती कर दी वो मुझे आगे से नहीं दोहरानी है ओके आई डिड हियर बिकॉज़ देयर वाज अ ब्रेकेज इन द वॉइस इट सिंपली मींस कैन आई टेल हु हु इज कैन आई मैम सृष्टि सृष्टि आना सृष्टि सृष्टि वंशिका यू टेल बेटा वंशिका कोतारिया कोतारी सॉरी यस मैम हां आप बता देना बेटा एक एग्जांपल ओके मैम जैसे मैम जैसे हमें हमसे कोई गलती हो गई है और फिर वो हमें मॉडल देगा फिर बाद में मतलब गाइडलाइंस देगा फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वंशिका गाना गाना चाह रही है ठीक है एंड शी एंटर्स फॉर एन ऑडिशन इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन व्हेन शी गोज इन द सिंगिंग audition to sing what happens she gets rejected right then these are signs uska rejection is a sign that it is a sign that she can do better it gives her guidelines like use aur koshish karni padegi use aur practice karna padega usse zyada behtar awaaz kisi aur ki hai तो उसे क्या मिलता है साइंस या सिग्नल मिलता है कि क्या करना चाहिए दैट इज व्हाट इट मींस दैट प्रॉब्लम्स आर नॉट साइंस ये साइन नहीं है पर ये गाइडलाइंस है तुम्हें गाइड करता है सही दिशा दिखाता है जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम वो हमें क्या देता है गाइडलाइन कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं ऐसा करना चाहिए राइट एंड द लास्ट वन इज दिस मैम कैन आई रीड यार I want who is now Harsh Harsh Mahajan please read yes ma'am read karo beta loudly padhe na a beautiful day begins with a beautiful mindset ma'am very good one more time loudly Harsh a beautiful day begins with a beautiful mindset Thank you so much. What does this mean? Ma'am, can I tell? Yeah, Diya, now you can speak. Ma'am, जो हमारा जो day होता है हमारे दिमाग से मतलब ma'am जब हमारा दिमाग fresh होगा तभी हमारे mind में अच्छे ma'am thoughts आएंगे. All right. Who else can explain this? Ma'am, can I? Mohammed Ali, can you explain this? A beautiful day begins with a beautiful mindset. इसका मतलब क्या है युक्ति युक्ति ट्राई या युक्ति गोयल यस मैम या टेल मी व्हाट डज दिस मीन अ ब्यूटीफुल डे बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट मैम इसका मतलब है कि जो हर एक दिन आता है उसमें हमारा एक अच्छा माइंड रहता है
और फिर हम और भी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं हर एक दिन में. ऑलराइट, who else can explain? Navika, can you explain beta, what does this mean? कोशिश करो, कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता. नविका अनम्यूट करो बेटा, कोशिश करो, कुछ भी नहीं होता, कोशिश करो. मतलब मैम इसका मतलब है अगर हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा तो हमारा डे भी अच्छा रहेगा. तो it actually means that hamara mindset sahi hona chahiye. Agar hamara mindset sahi ho to din waise hi acha hoga, par agar mindset hi galat hai to jitna bhi acha mind ho, jitna bhi acha day ho, hamara mindset hi agar negative hai to acha din bhi hame kharab hi lagega. So our day is not dependent ki din kaisa ja raha hai. Hamara mind determine karta hai ki din acha hai ya bura hai. So now tell me all whatever this flashcards we read, they have one thing in common. And what is that one thing? And that is the topic of today's workshop. What is the one thing common that they have? मैम इट मींस दैट इस ये सारे जो आपको मैंने फ्लैश कार्ड्स पढ़े उसमें सारे में एक चीज बहुत कॉमन था, क्या था? हमें अपनी जो छोटी छोटी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो नेगेटिविटी है उनमें भी उन्हें सबसे पहले उनको बेटर जो हमारी गलतियां उन्हें ठीक करना चाहिए, उन पे फोकस देना चाहिए. बट जो हमारी नेगेटिव अगर कुछ बुरा हुआ है तो लेकिन उसमें भी थोड़ी अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए दैट हम हैप्पी रहें. वेरी गुड. सो एक वर्ड में बताओ व्हाट कैन द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप बी? सारे चीज ये कोटेशंस किस पे बेस्ड है? अरे सारे बच्चों ने बोला क्लास सिक्स के बाकी सारे बी हैप्पियर. It is positive thinking. Yes or no? All yeah. These are positive thoughts. So today's topic of the workshop is positive thinking. What is the topic of today's workshop? Positive thinking. Positive thinking. So tell me, what do we mean when we say positive thinking? Positive thinking ka matlab kya hai? No, Shrishti, not you. Positive thinking का मतलब क्या है? आदित्य सिंह, please tell me positive thinking का मतलब क्या है? आदित्य सिंह, एक तो ये बच्चे जो कैमरा ऑफ करते हैं वो पता भी नहीं होता है भी या नहीं, because they don't even unmute themselves. आदित्य सिंह, what does positive thinking mean? आदित्य कोशिश कर लो. मैम जैसे मैम सही सोच रखना हम किसी चीज के लिए. ऑलराइट, तो सही सोच रखना, सो पॉजिटिव मींस सही सोच रखना इज पॉजिटिव थिंकिंग. थैंक यू वेरी मच. सो इन सिंपल वर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एज आदित्य राइटली सेड is sahi soch rakhna or the right attitude in our life that we need to have so that we become great and successful, right? So this positive thinking can be achieved via one mantra, and the mantra is TBAR. What is the mantra? TBAR. Okay, so what does T stands for? Mom, what is the question? T se kya aa sakta hai? Mom, tension. Yahan pe hota hai hamara, kya hota hai? T se. Thinking. Jab hum think karte hai, hamare dimag mein kya hota hai? You are correct.
very close. Mom, yeah, Harsh. Tension. Tension hota hai. And thoughts. Thank you very much, Harsh. T say thoughts hota hai. Very good. Now I said T B A R. B se kya hota hai? Mom, thoughts. Beautiful. Mom. No, not beautiful. Bad. पॉजिटिव थिंकिंग में बैड आ सकता है? आ सकता है मैम. तो बी से क्या हो सकता है? तुम्हारे घर पे बेटर नो. तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी नहा धो के सब कुछ ब्रश वश करके सबसे पहले क्या करती है? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट बिफोर ब्रेकफास्ट क्या करती है? पूजा. पूजा करती है. करेक्ट दिवांशी. और जब करते हैं सो गॉड को क्यों पूजा करते हैं तुम्हारी मम्मी? फॉर बेटर डे. बिकॉज क्यों? क्यों? बी से बेनिफिट्स के लिए पूजा करते हो? ओ माय गॉड. नहीं बिल्कुल भी नहीं. तुम ही तो बोल रहे हो बेनिफिट्स. और घर में सुख शांति बने. गुड डे. वेरी गुड. हु सेड दैट वर्ड? मैम फॉर अ गुड डे. नो नविका सेड इट. नविका टेल द वर्ड. Someone said the word. B stands for your belief. Belief. Right? Sahara. Stands for your belief. Now, A. What does A stands for? T, B, A, R. Bola. A. A se kya hota hai? A se. Director Amesha bolta hai ye word. Action. Action. Right. And R stands for? Reaction. No, तुम बच्चे बहुत डरते हो आर वाले वर्ड से. तुम सी सारे बच्चे डरते. Result. Results, right. Very good. So T stands for tension. E stands for अभी बताया. T stands for what? Harsh said that. Thoughts. B stands for belief. A stands for action. R stands for result. देखते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मैजिक हो सकता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके मेरे पास मेरा ना एग्जाम्स आने वाले हैं 2 दिन में. मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं. क्या करूं? मेरा एग्जाम्स तो इस साल ना अच्छा नहीं जाने वाला. What kind of thought is it? Is it positive or negative? Negative. Negative. अब ना इतना पढ़ना है और मेरे पास टाइम ही नहीं बचा तो ना मेरा पेपर शायद अच्छा नहीं होगा. So my thoughts gets converted into my belief, right? कि मेरे से ना हो पाएगा. So my thought get converted into my belief and then I say, oh my God, इतने ज्यादा books है पढ़ने को. तो ना मैं इस बुक से ना सारा पढ़ लूंगी. इस बुक में ना 2 चैप्टर पढ़ लूंगी. इस बुक में ना 2 चैप्टर पढ़ लूंगी और इसके लिए तो टाइम भी नहीं बचेगा तो छोड़ दूंगी. तो मेरे एक्शन ज्यादा है या कम है? कम है. एज अ रिजल्ट जब मेरा रिजल्ट आएगा मैं भी 3 इडियट्स के जैसे राजू और फरहान जब रिजल्ट चेक करते थे वो टॉप से करते थे या बॉटम से? बॉटम से. बॉटम से क्योंकि उनको पता था अच्छा नहीं किया ऊपर से तो टाइम लग जाएगा नीचे से जल्दी पहुंचूंगा. राइट. सो ऐसा हो जाएगा नेगेटिव थॉट्स का. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव थॉट. सृष्टि. सृष्टि इज अ वेरी गुड जो हमेशा फर्स्ट आती है. तो मैं बोलती हूँ इस सृष्टि को तो ना मुझे इस साल जीतना ही है. जैसे तैसे मेहनत करके मैं सृष्टि को तो इस साल सेकंड में लेके आऊंगी और मैं खुद फर्स्ट हो जाऊंगी.
So is that a positive thought or a negative positive. Thought? Positive. Positive thought. अब ये सृष्टि को जीतने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी. So what happens? My that thought gets changed into my belief कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगी अरे सृष्टि ना दिन में ना 3 घंटे पढ़ती है तो मैं भी 3-4 hours जितना पढ़ लूंगी. अरे सृष्टि को जब टीचर जब पढ़ा रही है ना और उसे कुछ समझ में नहीं आया शी विल रेज हर हैंड एंड शी विल से मैम मुझे ये समझ में नहीं आया. अब मैं भी ना सृष्टि की तरह जब समझ में नहीं आया ना मैं भी हाथ खड़ा करके बोलूंगी मैम मुझे भी समझ में नहीं आया प्लीज समझा दीजिए. और ये सृष्टि ना इतना जल्दी जल्दी लिखती है तो मैं भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी उससे भी जल्दी लिखने का. So tell me the actions I am taking is more or less? More. Yes. Exactly. So as a result, mera result bhi achha aayega. It can be possible I can win Srishti or Srishti or I can be on the same level. So it is very, very important ki sahi soch ya positive thinking रखना क्योंकि जब तक हम जिंदगी में सही सोच नहीं रखते तो हमें कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगा. Got it? Now, before I leave, I'll show you a video and that video is, we will discuss that video in the next class, okay? This name of this person is Nick Vujicic. And his name, and he's an Australian. So look at him and we'll discuss it in the next class, the video. This is a person who does not have both hands and both legs, but he knows how to do everything. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. And I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you thank you.
being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this day. So, we'll discuss about this person in detail in the next class, okay? So this is a very inspiring person who is inspired and, you know, is one of the most successful people in the world, okay? So very, very important. And just imagine, he does not have hands, he does not have both legs, but he does not yet complain because of only one thing that keeps him moving forward every day, and that is the power of positive thinking. So we all need to be positive in our life, and it will take us a long way. All right, everyone? Yes, ma'am. So on this thought, take care, everyone. Bye. Bye. God bless you all. Thank you, teachers. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye-bye, students. I'm ending this session. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye. Same to you. Bye.